বিশিষ্ট লেখক তথা প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগপতি সত্যপাল চন্দ্রাঙ্ক নমোচিত হয়েছে ভুবনেশ্বর এক স্বতন্ত্র কার্যক্রমে পুস্তক উন্মোচন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই পুস্তকর রয়েছে এ প্রমিজ এবং দি ডার্ক ওইস কোটি হাজার বর্ষ এক রোমাঞ্চিত ও রহস্যময় প্রেম কাহানী এ পূর্ব দশটি চমৎকার নোভেল লেখি খ্যাতি অর্জন করে सत्यपाल नुस्तक नहीं बेस आशावादी रही सत्यपाल एकाधारे जड़े लेखक और उद्योगपति विजुअल वेब ब्राउजर मैग टैप्र प्रतिष्ठाता हो सत्यपाल मैग टैप साट व्यवहारकारी मैंने सहजे भिजुआल ब्राउज भिजुआल डक्यूमेंट और भिजुआल डिक्सनारी पढ़ी पार्थ सत्यपाल चंद्रा सहित अधिक आलोचना सीनियर रिपोर्टर अरुंधती मल्लिक सहित अहिले जन लेखक एउटा म्याकटप्र जो फाउंडर सत्यपाल तुलु कथा सत्यपाल चन्द्राजी अहिले केमिता लेखकी जर्नी आरंभ होला आज पर्यन्त जो नोभेल्खिचन जहाँबि से निजे मुहु कि शुवा कलिम्पि स्वागत आप एक रटर हे म्याकटका सिओ और ये दोनों कैसे दोनों आई थिंक सेम जर्नी है राइटर भी क्या करता है कुछ क्रिएट करता है बिना दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग और ऑन्टरप्रनियर भी यही करता है वो भी कुछ ऐसा बनाता है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो दोनों में आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज़ है दोनों को लोग शुरू में मजाक भी उड़ाते हैं और दोनों की लाइफ शुरू में बहुत स्ट्रगल भरी हुई थी टेल्यू आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तो आई थिंक दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है कैरेक्टर होते हैं आप कैसे ढूंढते हैं उन कैरेक्टर को कैसे चूज करते डिसाइड करते हैं सबसे पहले मैं एक स्टोरी बनाता हूँ कि मुझे स्टोरी क्या लिखनी है सबसे पहले स्टोरी एक फिगर आउट करता हूँ स्टोरी में फिर मैं सोचता हूँ कैरेक्टर्स क्या होंगे मेन जो मेल एंड फीमेल कैरेक्टर क्या होंगे उनके ग्राफ कैसा होगा लाइक वो उनके गुण क्या हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं वो कैसे बिहेव करेंगे तो जब पहले आप स्टोरी बन जाती है तो कैरेक्टर कैरेक्टर के बारे में सब शुरू में सब वेग सा होता है कुछ पता नहीं होता बट जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं फिर ऐसा लगता है हमने वो ऐसे लोगों से बहुत बार लाइफ में मिले हो वो कैसे बिहेव करते हैं उनसे कैसे रिलेट कर सकते हो उनके कुछ गुण को आप अपने आप में एम्बाइब कर लेते हो फिर उसको डेवलप करते हो आप बिहार से हैं बिहार से उड़ीसा अब मुंबई में भी रहते हैं ये आपका बुक ऑफ नोवेल भी लिखा है ये कैसा जर्नी बिहार और उड़ीसा में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत सिमिलर सा है क्योंकि मुंबई से बहुत डिफरेंट है बट उड़ीसा और बिहार में आई थिंक यहाँ पे सबसे अच्छा था कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं डॉन टू अर्थ हैं हेल्पिंग हैंड है सिटी बहुत क्लीन है लोग रूल्स को फॉलो करते हैं धार्मिक है जगन्नाथ जी का टेम्पल है लोग यहाँ पे आते हैं बहुत श्रद्धा है तो आई थिंक यहाँ बहुत बहुत सिमिलरिटी है बट हाँ मुंबई की तुलना में बहुत ही डिफरेंट दु, दुनिया है लिखना कब शुरू किया और पहला किताब क्या था या नॉवल क्या मैंने पहली बुक लिखी थी जि वन मैं बाईस साल का था ट्वेंटी मेरी पहली बुक थी द मोस्ट लिटल बैचलर फिर मैंने दो तीन साल मैंने दस नॉवल रिलीज किया उसके बाद मैं अपने कंपनी के काम में मैंने काफ़ी कंपनी फाउंड किया तो उसमें काम कर रहा था ये मैंने एक साल पहले से इस पर काम करना शुरू किया था इस बुक में बेसिकली एक कपल की स्टोरी है एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है एक फैंटसी है एक कपल की लव स्टोरी है जो एक इंडिया के मिथोलॉजिकल शहर में बड़ा फिक्शनल शहर में रहते हैं जहाँ पे हमेशा स्नो होता है जो नाइन प्लैनेट्स है वो सेम एक्सिस में आ गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया था तो, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी ऐसे चलती है एक बीस साल पहले क्या हुई थी और आज के दुनिया में क्या हो रहा है और वो वहाँ पे क्यों शहर में क्या क्या कर रहे हैं ये पूरी उसकी स्टोरी है माइथोलॉजिकल फिक्शन है सत्यपाल चंद्र जे भी मैक्टर प्रोनर भुवनेश्वरको क्यमेरा पर्सन पियोस्को सहित अरुन्धति मल्लीको रिपोर्ट कलिङ